आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल हैं जिनसे हमको क्या मिलता है फायदा मिलता है चलिए द बैक्टेरियम लैक्टो कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड कौन सा बैक्टेरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है उसका नाम क्या है लैक्टो को याद रखना है लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कन्वर्ट करता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में यानी मिल्क को कन्वर्ट जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है कर्ड में उसको क्या बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ चीज पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स आपको पता होना चाहिए चीज जो आप होती है पनीर या पिकलर्स अचार वगैरह उसको भी किसकी वजह से प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया की वजह से यानी बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है तो हमें पहले बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है बाद में चीज को पिकल को हेल्पफुल रहता है शाबाश एस्टोबैक्टर एस्टिक बैक्टीरिया जो है वो हमें यूज किस लिए यूज में लेते हैं उसे हम एस्टिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं किससे अल्कोहल से प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल किस बैक्टीरिया की वजह से एज As, एस्टोबैक्टर या बैक्टीरिया की वजह से हम एस्टिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं किस से अल्कोहल सेट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन बाय ग्रोइंग ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द द्रेन बैरली व्हीट राइस क्रशड फ्रूट जूसेस तो ये आपको याद रखना है यीस्ट को हम किसकी प्रोडक्शन के, के लिए यूज करते हैं अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं ऐसे हमारे पास है एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस आपको पता है बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं या फंगल डिजीजेस होती है आपको पता है बैक्टीरियल डिजीजेस और ऐसे हमारे पास फंगल डिजीजेस भी हैं फंगल डिजीज उनको हम किन चीज़ों से क्योर करते हैं एंटीबायोटिक्स से क्योर करते हैं तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये किन से बनती हैं या बनती ये है, बनती हैं बैक्टीरिया से स्पेशली किससे बनती हैं बैक्टीरिया से बनती, बनती हैं तो नेक्स्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन द रूट न्यूड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स दे कैन फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन Um, from the air into the soil and increase soil fertility. कुछ माइक्रो माइक्रोआरगेनिज़्म ऐसे होते हैं जो हमारे हमारी, हमारी सॉइल की फ़र्टिलिटी को इनक्रीज़ करते हैं यानी हमारे लिए हमारी, हमारी सॉयल को फर्टाइल बनाने में हमारी मदद करते हैं यानी वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें यूज़ेबल फार्म में यूज़ेबल फार्म हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन यही बैक्टेरिया एज़ राइजोबियम उस बैक्टीरिया का क्या नाम है राइजोबियम राइजोबियम किसको कन्वर्ट करता है राइजोबियम एटमॉस्फेरिक N2 को कन्वर्ट करता है किसमें नाइट्रोजन में जो हम किसके लिए यूज करते हैं बाज में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है वो बाज में हमारी सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं इंक्रीज करते सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट्स जैसे डेड प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं या हमारे जो पील्स निकलते हैं विजिटेबल्स से या फ्रूट पील्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं उनको ख़त्म करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़ आर बेनिफिशल फॉर आवर इन्वायरानमेंट एनवायरनमेंट के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं यानी हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अहम रोल अदा करते हैं नेक्स्ट तो अब देखेंगे हमारा जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए हार्मफुल हैं शाबाश डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोलॉजन सबसे है। पहले आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज हमें क्या करते हैं डिजीजेज़ काज करते हैं उनमें प्रोटोजवानस है मलेरिया है बैक्टीरिया है इनसे बहुत सारे डिजीज काज होते हैं लेकिन जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अलग नाम दिया जा जाता है उन्हें क्या बोला जाता है पैथोजेंस यानी पैथोजेंस वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं डिजीज़ को काज करते हैं को पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल भी हैं लेकिन जो हमें डिजीज काज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस क्या बोलते हैं पैथोजेंस कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा फ़्लू एंड मोस्ट ऑफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस आपको पता है बहुत सारी डिजीजेस जैसे इन्फ्लुएंजा uh, है फ्लू है कोल्ड कफ है ये सब किससे काज होते हैं वायरस से और बहुत सारी सीरियस डिजीजेस जैसे पोलियो है जैसे चिकन पॉक्स है ये सब किससे काज होते हैं वायरस से काज होते हैं शाबाश वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है शाबाश डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर काज बाई प्रोटोजवान प्रोटोजवान से जो जो डिजीज काज होती है वो क्या है डाइसेंट्री और मलेरिया टाइफाइड एंड टिबर क्लोज आर काजड ड्यू टू बैक्टेरिया टाइफाइड और टिबर क्लोज जो बीमारियाँ हैं ये किसकी वजह से होती हैं बैक्टेरिया की वजह से होती हैं सम कामन डिजीज एंड दियर मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोवेंशन मेजर्स आर गिवन इन टेबल मैंने यहाँ पर एक नीचे से टेबल दिया है इसको अच्छे से देखें सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ काजड बाई माइक्रो आर्गन जैसे टिबरक्रोस है बैक्टीरिया की वजह से मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एयर है ऐसे ही मिसलस है वायरस की वजह से मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एयर है ऐसे ही चिकन पॉक्सी एक वायरल डिजीज़ है आयर और कंटैक्ट की वजह से होती है पोलियो वायरस और मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड वाटर है कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज़ है वाटर और गंदी गुजा खाने से हो जाती है ऐसे ही टाइफाइड है बैक्टीरियल है और वाटर इसका मूड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपाटाइट्स वायरल डिजीज़ है और इसका मूड ऑफ ट्रांसमिशन भी वाटर है और ऐसे ही मलेरिया मलेरिया जो कि प्रोटोजवानस की वजह से होती है जो इसकी मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो मास्किटो है स्पेशली फीमेल एनाफ्लू मास्किटो तो ये कुछ खास डिजीज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेज की वजह से होती हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनको नोट डाउन कीजिए और याद भी रख लीजिए तो आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा थैंक यू बाय बाय